कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, हर दिन बढ़ते आंकड़े तो यही कहते हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी दिल्ली से आ रही है, और वो ये है कि दिल्ली में भी मुंबई की तरह पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद 526 पत्रकारों का कोरोना रिजल्ट नेगेटिव आया है। 529 में से केवल 3 पत्रकारों का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जिन पत्रकारों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है उनका इलाज चल रहा है और जल्दी ठीक होने की कामना है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी दी। अभी 3,314 केस हैं दिल्ली में, 206 नए मामले सामने आए हैं, 1,078 ठीक हो चुके हैं, 53 लोग आईसीयू में हैं, 12 लोग वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जिन्हें सिम्टम्स नहीं या लाइट सिम्टम्स हैं, वो घर पर ही आइसोलेशन में रह सकते हैं, अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सरकार का कहना है कि ये टेक्निकल काम है और अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। जिन लोगों के पास परमिशन नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी शुरुआती दौर में आशा की किरण नजर आई है, तो ऐसा ना हो कि जिन्हें परमिशन ना हो वो भी इसे शुरू कर दे। बता दें कि दिल्ली में अब तक 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ कोरोना अब तक 50 से ज्यादा जान ले चुका है। कोरोना से दिल्ली का कोई कोना मानो छूटा ही ना हो। इस वजह से ही दिल्ली में कोई ग्रीन जोन नहीं है। 11 जोनों में बटी दिल्ली के 9 जोन रेड कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली में कोरोना कितना फैल चुका है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का फिलहाल कोई इलाका सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।